आइए जानते हैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की आज के सुबह के सभी मुख्य समाचार, ताजा और बड़ी खबरों को। उससे पहले अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दें। उत्तर प्रदेश में सीएनजी 5 रुपए हुई सस्ती, आज सुबह से ही लागू हो गए हैं रेट, पीएनजी के दाम भी घटे। आग में जले किसानों के अरमान, संत कबीर नगर में 150 बीघा गेहूं की फसल जली, हवा ने भी निभाया विलेन का किरदार। यूपी में समर सिंह को 14 दिन के लिए जेल भेजा गया, क्या सुलझेगी आकांक्षा दुबे के चल बसनी मामले की गुत्थी। राम भद्राचार्य बोले, राम भक्तों के खून का बदला लिया जाएगा, याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा, मैं नहीं भाजपा मेरी एजेंट। स्टेज पर बैठी दुल्हन ने जबकि हवाई फायरिंग, यूपी के हाथरस में देखते रह गए सभी, वीडियो हो रहा है वायरल। देवकीनंद ठाकुर का बड़ा बयान, बोले श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए होगा आंदोलन, कहा राम की तरह कृष्ण को भी आजाद कराएंगे, देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अयोध्या में बनेगा फ्लाई रेस्टोरेंट, पर्यटक 160 फीट ऊपर आसमान में लेंगे स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद, अभी नोएडा में बना है ऐसा रेस्टोरेंट। यूपी के इस जिले में आज 12 घंटे गुल रहेगी बिजली, इन इलाकों में होगी कटौती का असर। उत्तर प्रदेश में आकांक्षा के फैंस ने समर पर किया हमले का प्रयास, वाराणसी में पेशी से लौटते समय दोनों के फैंस में हुई नोक, जो पुलिस ने बचाया। यूपी में अग्निवीर भर्ती के लिए 17 से 26 तक होगी ऑनलाइन परीक्षा, जानिए पूरी डिटेल। डीजीपी बोले, जीरो टॉलरेंस पर हमारा फोकस, कहा अयोध्या में श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर रहेगा जोर, सुरक्षा के लिए खरीदे जाएंगे 70 करोड़ के उपकरण। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बोले गिरिराज सिंह, मुजफ्फरनगर का नाम भी नहीं लेना चाहता, आजादी के 75 साल बाद भी यहाँ मुगलों की निशानी बाकी, नाम बदलना चाहिए। लखनऊ समेत 6 जिलों में कंडक्टर भर्ती का रास्ता साफ, 15 अप्रैल तक जारी होंगे टेंडर, जाने प्रक्रिया और वेतन। अब भारतीय रेलवे में भी 10वीं पास के लिए नौकरी, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी में 40 वैकेंसी, 1 लाख रुपए तक सैलरी, ईपीएफओ में 2,869 पद पर भर्ती। यूपी के प्रमुख सचिव नगर विकास समृद्ध अभिजात का बड़ा बयान, कहा यूपी में अब समूह की महिलाएं भी अपने ऑफिस में खोल सकेंगी दीदी कैंटीन। लखीमपुर खीरी में आग लगने से 36 घर जले, गृहस्थी समेत सारा सामान जलकर राख, राजस्व विभाग की टीम क्षतिपूर्ति का कर रही है आकलन। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में राम मंदिर अनुच्छेद 370 की गूंज, राष्ट्रीय मुद्दों के सारे भगवा लहराने की तैयारी। इटावा में शिवपाल यादव और भाजपा विधायक में जमकर नोकझोंक, डीएम एसएसपी को संभालना पड़ा मामला। उत्तर प्रदेश में अमृतपाल सिंह अब बढ़ने वाली है टेंशन, यूपी में अमृतपाल सिंह की अब बढ़ने वाली है टेंशन, भगोड़े की गिरफ्तारी को पुलिस का यह है प्लान। गरीब बेटियों की शादी करने के लिए यूपी की सरकार दे रही है 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता, जाने कैसे करें अप्लाई। ड्रैगन को भारत का संदेश, चीन सीमा से सटे अरुणाचल के गांव का दौरा करेंगे अमित शाह। सत्ता में आए तो राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज की जीभ काट देंगे, कांग्रेस नेता की धमकी। दिल्ली में रैपिड रेल की सबसे लंबी सुरंग बनकर तैयार, 180 किमी की गति से भरेगी रफ्तार। चलिए बड़ी खबरों को जानते हैं विस्तार से, उससे पहले अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। आज सुबह से ही लागू हो गए सीएनजी पीएनजी के दाम, जानिए कितने घटे। जी हाँ दोस्तों, सीएनजी 5 रुपए सस्ती कर दी गई है, नए रेट आज सुबह से ही लागू हो रहे हैं। सीएनजी 93.96 रुपए प्रति किलो की नई दर पर मिलेगी। अब सीएनजी के नए रेट लखनऊ के अलावा उन्नाव, आगरा और अयोध्या में लागू होंगे। बता दें कि पहले लखनऊ, आगरा, उन्नाव में सीएनजी की दर 98.96 रुपए प्रति किलो थी, जो 5 रुपए कम होकर नई कीमत 93.96 रुपए प्रति किलो हो गई है। ऐसे ही अयोध्या के लिए भी सीएनजी की दर 99.85 रुपए प्रति किलो थी, जो आज 94.85 रुपए प्रति किलो हो गई है। वहीं घरेलू गैस की कीमत में भी 3 रुपए स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की कटौती की गई है। अब इसके मूल्य लखनऊ और आगरा में 57.43 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर हो गई है। राम भद्राचार्य बोले, राम भक्तों के खून का बदला लिया जाएगा, याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। जी हां, तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य ने राम भक्तों के एक एक खून का बदला लिए जाने की बात कही है। आगरा में श्री राम कथा के दौरान उन्होंने कहा, हमने किसी का अपमान नहीं किया, लेकिन हमारे ग्रंथों का अपमान हुआ है, हिंदुत्व का अपमान हुआ है, याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा।
हम बता दें कि उन्होंने अयोध्या की घटना का जिक्र करते हुए कहा, 1990 की घटना को हम भूले नहीं हैं। निहत्थे राम भक्तों पर गोली चला दी गई, सरयू मैया खून से लाल हो गई, कोठारी वंश का नाश हो गया, दो बच्चों को घर से घसीट कर लाया गया और गोली मारी गई। अब राम भक्तों के एक एक खून का बदला लिया जाएगा। अब देवकी नंद ठाकुर बोले, श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए होगा आंदोलन। कहा, राम की तरह कृष्ण को भी आजाद कराएंगे, देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जी हां दोस्तों, कथावाचक देवकी नंद ठाकुर ने आज ऐलान किया है कि वे जल्द ही मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के लिए आंदोलन शुरू करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम की तरह मथुरा में श्री कृष्ण को भी आजाद करवा कर रहेंगे। उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने का भी आह्वान किया है। बता दें कि उन्होंने भोपाल के टीटी नगर दशहरा मैदान पर चल रही देवकी नंद ठाकुर की 7 दिवसीय कथा का आज आखिरी दिन था। वही कथा 2 अप्रैल से शुरू हुई थी, जिसका आयोजन विश्व शांति सेवा समिति ने किया। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहां पहुंचे थे। इसके अलावा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी पंडित देवकी नंद ठाकुर से मिलने पहुंचे थे। उसी मंच से उन्होंने यूपी के मथुरा के लिए ये बड़ा ऐलान किया है। अयोध्या में बनेगा फ्लाई रेस्टोरेंट, पर्यटक 160 फीट ऊपर आसमान में लेंगे स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद। जी हां, अयोध्या में हेलीकॉप्टर से हवाई यात्रा करने के साथ ही पर्यटक आसमान से स्वादिष्ट खाने का स्वाद ले सकेंगे। दरअसल पर्यटन विभाग इसके लिए फ्लाई रेस्टोरेंट खुलवाने की तैयारी में है, जो गोवा और नोएडा की तर्ज पर होगा, जहां लोग जमीन से 160 फीट ऊपर खाना स्वादिष्ट व्यंजनों का लुफ्त उठा सकेंगे। यह रेस्टोरेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित होगा, जिसके लिए विभाग ने पूरे देश के निवेशकों से आह्वान किया है। वहीं इच्छुक उद्यमियों को विभाग 20% सब्सिडी के साथ उनकी इच्छा के अनुरूप जमीन भी मुहैया कराएगी। उत्तर प्रदेश के इस जिले में 12 घंटे गुल रहेगी बिजली, इन इलाकों में होगी कटौती। जी हाँ दोस्तों, आज शहर के 12,000 घरों की बिजली 12 घंटे गुल रहेगी। बिजली की लाइन शिफ्टिंग, ट्रांसफार्मर की मरम्मत और क्षतिग्रस्त लाइनों को ठीक किया जाएगा। दरअसल यूपी में आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक करीब 7 फीडरों की लाइन गुल रहेगी। इसकी तरह सोमवार और मंगलवार को भी बिजली गुल रहेगी। ऐसे में पूरे 12 घंटे बिजली संकट बनेगा और पेयजल आपूर्ति की किल्लत होगी। बिजली निगम ने इसकी सूचना उपभोक्ताओं को मैसेज करके दिया है। उत्तर प्रदेश में अग्निवीर भर्ती के लिए 17 से 26 तक होगी ऑनलाइन परीक्षा। जी हाँ, अग्निवीर भर्ती के लिए 17 अप्रैल से 26 अप्रैल तक मेरठ समेत वेस्ट यूपी में 12 केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षा होने वाली है। परीक्षा के पहले 2 दिनों के लिए प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी हो चुके हैं। अब सेना भर्ती कार्यालय मेरठ की ओर से कुल 12 परीक्षा केंद्रों को ऑनलाइन परीक्षा के आयोजन के लिए चिन्हित किया जाएगा। वहीं 3 परीक्षा केंद्र मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में और नोएडा में 2-2 एक परीक्षा केंद्र गाजियाबाद में निर्धारित किए गए हैं। एडमिट कार्ड अपने ईमेल से निकाल सकते हैं। डीजीपी बोले, जीरो टॉलरेंस पर हमारा फोकस। कहा, अयोध्या में श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर रहेगा जोर। जी हां, यूपी के पुलिस महानिदेशक राजकुमार विश्वकर्मा आज अयोध्या पहुंचे। वे सबसे पहले पहुंचे अयोध्या धाम में, दर्शन पूजन करने के बाद राम मंदिर के परिसर की सुरक्षा का जायजा लिया। इसके बाद पुलिस लाइन सभागार में अपराध को लेकर समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि अयोध्या की सुरक्षा के लिए 70 करोड़ के उपकरण खरीदे जाएंगे। यूपी के लखनऊ समेत 6 जिलों में कंडक्टर भर्ती का रास्ता साफ, 15 अप्रैल तक जारी होंगे टेंडर। जी हां, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में 3 माह से फंसे 6 जिलों में संविदा पर बस कंडक्टर की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इनमें लखनऊ सहित गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़ और नोएडा क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में 1,245 पदों के लिए 15 अप्रैल तक एजेंसी के जरिए भर्ती का टेंडर जारी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में अब समूह की महिलाएं अपने ऑफिस में खोल सकेंगी दीदी कैंटीन, जानिए विस्तार से। दरअसल राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत काम करने वाली समूह की महिलाएं नगर के सभी कार्यालय में दीदी कैंटीन चलाएंगी। इसके साथ ही महिला समूह द्वारा किए जाने वाले अन्य कामों को देखने के लिए अधिकारियों की टीम उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, केरल और तमिलनाडु राज्यों में जाकर उनके अभिनव प्रयोगों को देखकर यहां लागू कराएगी। वहीं प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने यह जानकारी दी है। गरीब बेटियों की शादी के लिए यूपी सरकार दे रही है 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता। जी हां, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार गरीब लड़कियों की शादी के लिए कई योजनाएं चला रही है। ऐसे ही एक मुख्यमंत्री शादी योजना है।
इस योजना के तहत गरीब लड़के लड़कियों को शादी के लिए 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। बताने की पहले यह आर्थिक सहायता सिर्फ 35,000 रुपए ही थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पहले दूल्हा दुल्हन को आवेदन करना पड़ता है। इस योजना का लाभ विधवा महिलाएं भी ले सकती हैं। मुख्यमंत्री शादी योजना का उद्देश्य गरीब बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद करना है। जरूरी दस्तावेज में वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, दूल्हा दुल्हन की फोटो, मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र, बैंक डिटेल, बीपीएल कार्ड, निवास प्रमाण पत्र। आवेदनकर्ता यूपी का रहने वाला हो, इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को मिलेगा। आवेदनकर्ता का बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, अनाथ महिला इस योजना का लाभ उठा सकती है। इस योजना का लाभ एक परिवार से अधिकतम 2 बेटियों को मिलेगा। अगर आवेदनकर्ता गांव में रहता है तो उसके परिवार की वार्षिक आय 46,080 रुपए और शहर में रहता है तो 56,560 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। खबरों में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। खबर को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर दबा लें।